हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल कर्मा माइंड एंड इट्स मैजिक में। आज मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी लोगों को एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी जो प्यार की 4 साल बाद मैनिफेस्ट हुई है। मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन है इस स्टोरी में, और ये स्टोरी सुनने के बाद ना आपका बिलीफ पक्का हो जाएगा कि आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट हो के रहेंगे। बस विश्वास कर लेना यार कि हो जाएगा। तो चलो चलते सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये सक्सेस स्टोरी एक लड़की की है जो कि इंडिया से है। ये स्टोरी मैंने द सीक्रेट की वेबसाइट से ली है। ये लिखती है कि आई एम समवन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड। यस, मैं बिलीव करती हूँ यूनिवर्स की पावर पे, भगवान की शक्तियों पे। पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान की और इस यूनिवर्स की और वो सारे लोगों की जिन्होंने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर के बारे में बताया, यूनिवर्स की अमेजिंग पावर्स के बारे में बताया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस यूनिवर्स की कि हर चीज़ जो भी मैंने चाही है अपनी ज़िंदगी में, जो भी मैंने विश की है, वो मुझे वैसे ही मिली है और वो हकीकत बन के मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आई है। थैंक यू। सो ये बोल रही है कि इन्होंने अब पहले तो इन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था, क्या होता था कि कैसे अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया जाता है, इसकी टेक्निक क्या होती है। बस मैंने जाने अनजाने में बस एक चीज़ यूज़ की थी, वो थी एक्ट एज इफ टेक्निक। और द सीक्रेट की ये टेक्निक मेरे लिए काम कर गई। और जब मैंने यूज़ की थी ना, तब मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। जो मुझे पता था वो सिर्फ ये था दैट कि मुझे खुद में बेहतरीन फील करना है, मुझे खुद की खुशी को महसूस करना है। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैं जब क्लास 9 में थी तो मैंने एक ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया था। एक मोमेंट था जब मैं उस ट्यूशन सेंटर के अंदर गई तो एक लड़का मुझे बैठे हुए दिखा और पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग गया। शायद लव एट फर्स्ट साइट यही होता है। कुछ तो थी, कुछ तो बात थी उस बंदे में जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गई। पता नहीं वो क्या थी, क्या वो अट्रैक्शन से शायद ज़्यादा थी। उस दिन के बाद से ना मैं हमेशा उसको ढूंढती रहती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखे, बट उस टाइम मैं इतनी अच्छी नहीं लगती थी, इतनी गुड लुकिंग भी नहीं थी। फिर एक दिन मैंने उसे देखा, वो स्कूल के बगल से पास कर रहा था। मैं उसे देखे जा रही थी बट उसे पता ही नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ। एंड तब मैंने ये टेक्निक करनी स्टार्ट की। मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे खुद में अच्छा फील करना है, और मैंने अपने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। मैंने इमेजिन किया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने इमेजिन किया एक लव ट्राइंगल जिसमें एक दूसरा लड़का है, वो भी मुझे बहुत लाइक करता है, बड़ा ही डिसेंट सा है वो दूसरा लड़का भी। एंड क्योंकि वो मुझे लाइक करता है, इस चीज़ को लेके मेरा जिस बंदे को मैं लाइक करती हूँ वो बहुत जेलस फील कर रहा है कि मेरी बंदी को ये दूसरा लड़का कैसे लाइक कर सकता है, ये तो मेरी है। एंड मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, और मेरी बॉडी, मेरा फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ साल बीत गए एंड मैं भूल गई इन बातों के बारे में। मैं अपने शरीर में, अपने फेस में, हर तरह अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस फील करने लग गई। मैं अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगने लग गई थी इन 4 सालों के बाद। ये 4 सालों के बाद जब मैं कॉलेज में इंटर की तो बहुत सारे लोग थे, बट कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद आई। एंड एक दिन मैंने सडनली इंस्टाग्राम पे ना उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। यस, और मैंने ना अपनी बड़ी अच्छी सी, प्यारी सी, एकदम हीरोइन टाइप की ना पिक्चर ना अपनी प्रोफाइल पे लगा दी, अपनी डीपी सेट कर दी। एंड थोड़े दिन बाद ना उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि सडनली उसने एक दिन मुझे टेक्स्ट किया। मैं तो इतनी खुश थी ना कि फूले नहीं समा रही थी। आई वॉज ओवरजॉयड।
तुरंत जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि यार इस बंदे ने मुझे मैसेज किया है। थोड़े दिन हमने बात की एंड उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए बाय गॉड्स ग्रेस। वो मुझसे इतना प्यार करता था जितना शायद मैंने इमेजिन किया था कि वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। यस, वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड होने लग गया, वो बहुत प्यार करने लग गया मुझसे। एक साल बाद हमारे रिलेशनशिप को एक साल हो गया, उसके बाद ना मैंने एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। वहाँ एक लड़का था मेरी कोचिंग क्लास में एंड वो मुझे लाइक करने लग गया था। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और बहुत ही डिसेंट लड़का था जैसा मैंने इमेजिन किया था। वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लग गया, वो लव ट्रायंगल वाला इमेजिनेशन याद है आप सबको। सारी चीज़ें जैसे मैंने विश की थी ना वैसे ही पूरी होने लग गई। मैं इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी एंड सडनली ये जो कंप्यूटर सेंटर वाला लड़का है इंटर हुआ मेरी लाइफ में एंड हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लग गई। एंड जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो सडनली जेलस फील करने लग गया इस बंदे को लेके एंड वो मुझे और स्पेशल फील कराने लग गया क्योंकि उसे ही लगने लग गया कि वो मुझे खो तो नहीं देगा। वो ऑब्सेस्ड होने लग गया, वो पोजेसिव होने लग गया इन अ गुड वे। सो ये सब चीज़ जो मैंने इमेजिन की थी ये हकीकत बन गई मेरी क्योंकि मैंने बहुत खुशी के साथ इन चीज़ों को इमेजिन किया और छोड़ दिया और मुझे पता भी नहीं था ऐसी कोई टेक्निक भी होती है। एंड आज मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ ना वो इस चीज़ के लिए कि मैं बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लगती हूँ, मैं तो दीवा बन गई हूँ। ये शायद सेल्फ लव का ही मैजिक है क्योंकि मैंने खुद से प्यार किया इसीलिए शायद मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसा अट्रैक्ट किया जैसा मैं चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी इनकी स्टोरी एंड आई होप आप सबको इनकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल लगी होगी। बट पता है हम जब अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं ना तो हमारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम जिसके साथ प्यार में होते हैं हमको लगता है कि हम उसे खो देंगे एंड उस खोने के डर से ना हम इन चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं कि कहीं हम खो तो ना दे और वो डर के कारण हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम जब भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमको अपने ख्यालों में अपने थॉट्स में अपने दिल में बस हैप्पीनेस के साथ उन चीज़ों को फील करना है जो हम रियलिटी में चाहते हैं और ख़ुद से ढेर सारा प्यार करना है। देखो कैसे भागते हुए आएगा आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पीछे। ओके, लव यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, हंसते रहिए।